स्क्रीन आ रही सर? हाँ हाँ ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आरसीएम बिजनेस में आपका। और बातचीत शुरू करने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जिस बिजनेस में है हम लोग वो बिजनेस क्यों करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 5000 रुपया लगेगा बच्चे की खिलौना खरीदने के लिए, तो उसका एफर्ट कितना रहेगा? अगर बच्चे की जान के लिए 5000 रुपया लगेगा तो क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों करें हमारे से? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में टाइम चेंज हो रहा है। 1916 में फार्मर का टाइम था, उसके बाद पीबीसी, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, इस पर कंप्यूटर मोबाइल, 2020 में एमएलएम इंडस्ट्री और यानी नेटवर्क इंडस्ट्री का जमाना है। तो समय के साथ साथ हम लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा। महेंद्र जी का एक व्हाट्सएप का स्टेटस में देख रहा था, सोनू शर्मा सर का, बोल रहा है कि एक 10,000 का फोन आप 2 साल में चेंज करते हैं, उसका अपडेट लेते हैं 4 महीने में। तो हम लोग एक काम का जरिया भी अपडेट होना चाहिए। आज जियो आप देख लीजिए, इसका नेटवर्क सबसे बड़ा तगड़ा है। आज जियो नेटवर्क नेटवर्क बिल्ड करने के लिए बहुत इन्वेस्ट किया है। जियो ने क्या कॉन्सेप्ट लाया, 6 महीने सभी को कॉलिंग नेट पूरा फ्री दे दिया। उसके बाद 6 महीने के बाद क्या हुआ, 6 महीने में सारे वोडा, आइडिया, एयरटेल सारे जियो में आ गया। उसके बाद जियो ने क्या है, शर्त लागू कर दिया। तो वो उसका क्या नेटवर्क बनाया है, तो उसको नेटवर्क बनाने में बहुत पैसा लगा, बहुत प्लानिंग लगा। लेकिन आरसीएम में हम लोग नो इन्वेस्ट, नो रिस्क, नो टेंशन। कोई भी ऑफिस नहीं, कोई भी ड्यूटी नहीं, कोई भी योग्यता नहीं, हम लोग मुफ्त में एकदम फ्री। हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा से बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। देखिए बड़ा बड़ा लोग कह रहा है सर, ये कोई गाँव का झंटू मंटू चंटू नहीं बोल रहा है, ये बड़ा बड़ा लोग बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है। देखिए वॉरेन बफेट नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है। जो भी ज्यादा पंडित गिरी दिखाता है ना, सब मैं ये सारे चीज ना वो युद्धार से घाटशिला में भेज दूंगा सर। तो जो ज्यादा कुछ बोल रहा है ना, उसको भेज दीजिए कि नेटवर्क बिजनेस क्या है। देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बोल रहा है कि हमारे देश का सबसे मेन समस्या अनएम्प्लॉयड है। तो डायरेक्ट सर ये वन एंड ओनली बिल ग्रेट्स भी बोल रहा है, तो ये कोई गाँव का झंटू मंटू चंटू नहीं बोल रहा है सर। ये कौन बोल रहा है कि नेटवर्क बिजनेस करना चाहिए? मतलब क्या है, आरसीएम हम लोगों को मुफ्त में मिल गया है, फ्री में। आरसीएम हम लोगों को मुफ्त में फ्री में मिला, तो इसलिए क्या है, हम लोग इसलिए उसका वैल्यू नहीं जान पा रहे। तो जिस आईडी है सर आप लोगों के पास, जो संख्या है, जो आईडी का नंबर है आरसीएम का, उस आईडी के थ्रू कोई 200 भी कमाता है, कोई 20 लाख भी कमाता है। तो पहले हम लोगों को वैल्यू देखना है कि इस आईडी का वैल्यू क्या। आज नोकिया को देख लीजिए, मार्केट में नहीं है क्योंकि वो खुद को अपडेट नहीं किया, एंड्रॉइड सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, विंडोज सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, आज मार्केट में नहीं है। आज अमेजोन फ्लिपकार्ट देख लीजिए कितना जल्दी से तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी एक डायरेक्ट जैसे लेन देन का है। लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट में एक एडवर्टाइजमेंट रह जाता है। आप सैमसंग कंपनी का फोन मिल जाएगा आपको अमेजोन में, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट रहता है। लेकिन आरसीएम में वो भी मिडिलमैन नहीं रहता। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, ये डाटा है सर, ये कोई मेरा मनमर्जी की कोई बात नहीं सर। 2025 तक अगर शरीर ठीक रहेगा, धरती ठीक रहेगा, तो हम लोग देखेंगे सर 2025। ये साल डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा बिजनेस होने वाला है, लेकिन हम लोगों का कितना रहेगा वो हम लोगों को डिसाइड करना है। सर परिचय दे दो सर, मेरा नाम सुशांत माइती है, मेरा वाइफ ऋतुपर्णा सिंह माइती है, दोनों ही मिलकर बिजनेस कर रहा हूँ सर। मतलब क्या है, सपनों जैसा लाइफ है, सपनों जैसा इनकम है, सिर्फ पैसा नहीं सर, बहुत कुछ, मतलब पूरा जिंदगी है इस आरसीएम बिजनेस सर। मेरा एक वीडियो, मैंने 20 सेकंड का एक वीडियो मैंने पोस्ट डाला था,
आफ्टर बिफोर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर आपसे भी बड़ा बुरा हालत था मेरा ये जो इनकम मैं कर रहा हूँ सर ये पैसिव इनकम है सर, पैसिव इनकम, पैसे के पीछे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, परदादा लड़दादा पिताजी दौड़ रहे थे, उसका भी कोई अभाव नहीं गया है, हम लोग भी दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे जिंदगी भर दौड़ रहे, तो पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोगों मनी फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, जिसको कहते हैं पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं हम लोगों को टाइम फ्रीडम भी मिलता है।